आप लोग का एक सवाल आता है कि क्या मैं अपनी आईडी में अपना अकाउंट नंबर लगाऊं या किसी और का लगाऊं। अगर मैं अपने फैमिली मेंबर किसी का भी अकाउंट नंबर अपने आईडी में लगाता हूं तो क्या उस पे पैसे आएगा, क्योंकि आईडी तो मेरे नाम से है लेकिन अकाउंट में दूसरे का लगा दूं क्या उसमें पैसा जाएगा, ये सवाल आपका, तो आइए बताते हैं आपको। दोस्तों नमस्कार, आप किसी भी आईडी से बैंक अकाउंट को रिमूव करना चाहते हैं, आपने बैंक तो लगा दिया, इस बैंक अकाउंट को अगर आप ऐड करना चाहते हैं या फिर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो इसे कैसे कर सकते हैं। कई लोगों का सवाल था कि सर मैंने अपना जो मेरा अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर मैंने ऐड तो कर दिया है, लेकिन ऐड करने के बाद क्या होता है कि वो अकाउंट नंबर में मेरे पैसे नहीं आते, यानी अगर बोला जाए तो मनी नहीं आता है। अब इसको रिमूव करना है, मुझे न्यू अकाउंट नंबर ऐड करना है। क्या करना है? न्यू अकाउंट नंबर ऐड करना है। अब न्यू अकाउंट नंबर ऐड करने का क्या प्रोसेस होगा, कैसे ऐड कर सकते हैं, वो पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। बस इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। दोस्तों कई बार क्या होता है, बैंक अकाउंट तो हमने ऐड कर दिया था, जब हमारी आईडी लग रही थी उस समय हमने ऐड कर दिया था और ये सोच करके ऐड कर दिया था कि इसमें हमारे कोई पैसे नहीं है। आजकल जैसा आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है तो लोग वो बैंक अकाउंट नहीं देते हैं जिसमें उनके पैसे होते हैं, तो हमेशा हर आदमी नया आदमी सोचता है कि मैं वो वाला अकाउंट नंबर दे दूं इनको जो अकाउंट में मेरे कोई पैसे नहीं है, नहीं चलता है, बाद में मैं उसे चेंज कर लूंगा, ऐसा सोचते हैं और अकाउंट नंबर ऐड कर देते हैं अपनी आईडी के साथ में। और जब आईडी के साथ में ऐड कर देते हैं अकाउंट नंबर, बाद में जब उसमें पैसा आने लग जाता है, उनके अकाउंट में जब पैसा आने लग जाता है आईडी पर, उनके बैंक में पैसा आने लग जाता है, तो वो फिर कहते हैं कि अब यहाँ पर मुझे जाना मुश्किल है, मेरा इसका कार्ड नहीं बना हुआ, एटीएम कार्ड नहीं बना हुआ है तो मुझे दिक्कत आ रही है और कहीं भी ऑनलाइन पैसे निकाल नहीं सकता क्योंकि सिस्टम बंद हो चुका है, तो मैं इसके लिए क्या करूं। इस तरह से काफी लोग परेशान है और अपने बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहते हैं। प्रोसेस क्या होना चाहिए, क्या फार्मूला होना चाहिए, कैसे हम अपने बैंक अकाउंट को चेंज कर सकते हैं, बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप हर 7 तारीख को, 6 से लेकर 7 डेट को, 6 से 7 डेट को क्या होता है, आपके अकाउंट में पैसे आईडी से आपका पैसा जो होता है वो आ जाता है, पैसा रिसीव हो जाता है, 6 तारीख 7 तारीख तक रिसीव हो जाता है पैसा। लेकिन आपका अकाउंट नंबर गलती से रिमूव हो गया, क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। अब रिमूव हो गया, आप उसमें ऐड करना चाहते हैं पैसे लेने के लिए अकाउंट नंबर, तो ऐड कैसा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं ऐड करने का तरीका आपको सिखाता हूं। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने प्रोफाइल को खोलना पड़ेगा, जैसे मैं आपको यहाँ सामने दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको आरसीएम ऐप में चले जाना है, ये देखिए आरसीएम ऐप है, इस आरसीएम ऐप में चले जाना है, इसको ऑन कर देना है। इसके बाद आपको चले जाना है 3 डॉट पे, यहाँ पर ऊपर 3 डॉट है, इस 3 डॉट पे आपको चले जाना, टच करना है। टच करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन आ गया है। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉप का है, मार्केट प्लान है, डिलीवरी सेंटर है, मैसेज एसोसिएट वायर है, डाउनलोड यहाँ पर है, ई केवाईसी यहाँ पर, अप्लीकेशन फॉर न्यू है, ई केवाईसी अप्लीकेशन कन्वेंशन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैं आपको दिखा रहा था वो ये है, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, फिल योर बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पर। उसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है कि आप अपने पैन कार्ड को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर टच करेंगे, टच करने के बाद पे यहाँ पर आप देख सकते सामने क्या मांग रहा है, यहाँ पे आईडी, यूजर आईडी, जो आपकी यूजर आईडी है उस यूजर आईडी को यहाँ पर देना है। जैसे यूजर आईडी यहाँ पर भरेंगे 3306495 नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर देखिए मेरा अकाउंट नंबर रजिस्टर्ड है, योर बैंक अकाउंट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ यूज, राइट। अगर आपका अकाउंट नंबर ऐड नहीं होगा तो यहाँ पर वो फॉर्म खुल जाएगा, तो ऊपर आपको अकाउंट नंबर डिटेल डालनी होगी, अकाउंट नंबर का नाम डालना होगा, उसके बाद अकाउंट नंबर का कहाँ से स्टेट्स कौन सा है वो डालना होगा, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, उसके बाद नीचे पासबुक अपलोड करना होगा, जैसे आईडी बनाते समय हम भरते हैं अकाउंट डिटेल वैसे भरना होगा, यहाँ आईडी नंबर डालने के बाद नेक्स्ट करने के बाद, तो फिर नीचे आपको सबमिट कर देना होगा, आपका अकाउंट नंबर आपके आईडी के साथ अटैचमेंट हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा इस तरीके से हम अपने अकाउंट नंबर को जाकर ऐड कर सकते हैं, क्लियर। अब हम रिमूव कैसे करा सकते हैं, अगर हमें अकाउंट नंबर चेंज करना हो तो उसे कैसे करा सकते हैं, तो आप देखिए स्क्रीन पर यहाँ पे जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपको ऊपर 3 डॉट पे जाना है, 3 डॉट पे जाने के बाद में आपको नीचे चले जाना है, यहाँ पे देखिए कॉल यूज का ऑप्शन है, इस कॉल यूज के ऑप्शन पे जाना है, कॉल यूज के ऑप्शन पे टच करना, डायरेक्ट कॉल आपका कंपनी पे लग जाएगा, आपके आरसीएम कंपनी पे कॉल लग जाएगा
और वो कॉल आपका डायरेक्ट ऑफिस में जाएगा, ठीक है, कस्टमर केयर के पास में जाएगा, और आपने फोन करना उसी नंबर से जो नंबर आपके आईडी के साथ में रजिस्टर्ड हो। इस बात का ख्याल रखना, आपने किसी अन्य नंबर से कॉल नहीं करना। अगर किसी अन्य नंबर से कॉल करते हैं तो आपके अकाउंट से रिमूव नहीं किया जाता। जब आप कॉल करेंगे तो आपसे कुछ पूछा जाएगा, सबसे पहले आपसे आईडी नंबर पूछा जाएगा। आईडी नंबर आपका सही हुआ फिर आपका नाम पूछा जाएगा, नाम सही हुआ इस तरह से दो तीन इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, ये चेक करने के लिए कि ये अकाउंट नंबर, ये आईडी आपकी है या किसी और की आप रिमूव करवाना चाहते हैं। तो कंफर्म हो जाएगा नहीं, आपका आईडी है, आपका अकाउंट नंबर है, आपका नाम है, तो फिर जाकर के आपके अकाउंट को 24 से 48 घंटे में रिमूव कर दिया जाएगा, यानी डिलीट कर दिया जाएगा आपके आईडी से। और जब आपका अकाउंट नंबर रिमूव कर दिया जाएगा आपके आईडी नंबर से, फिर उसके बाद आप 24 घंटे के बाद अपने अकाउंट को या 4 घंटे बाद भी अपने अकाउंट को आप ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि ऐड कैसे करना है। तो आप किसी भी अकाउंट नंबर को आप निकाल सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। आप लोग का एक सवाल आता है कि क्या मैं अपनी आईडी में अपना अकाउंट नंबर लगाऊं या किसी और का लगाऊं? अगर मैं अपने फैमिली मेंबर किसी का भी अकाउंट नंबर अपने आईडी में लगाता हूं तो क्या उस पे पैसे आएगा? क्योंकि आईडी तो मेरे नाम से है लेकिन अकाउंट में दूसरे का लगा दूं, क्या उसमें पैसा जाएगा? ये सवाल आपका, तो आइए बताते हैं आपको। जी हाँ बिल्कुल, आप किसी का भी अकाउंट नंबर ऐड कर सकते हैं, उसमें पैसा जाएगा, लेकिन जब वो रिमूव कर दिया जाएगा, देखिए सिस्टम अपडेट होता है, ये चेकिंग चलती रहती है, एक आध बार दो बार आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन जब वहां पर चेकिंग होगी और पता चलेगा ये अकाउंट किसी और का है तो उस अकाउंट को रिमूव कर दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, फिर बाद में आपको अपना अकाउंट ऐड करना ही पड़ेगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं अनलीगल है। लेकिन फिलहाल आप थोड़े समय के लिए उसे कर सकते हैं और हो जाता पैसा भी आता है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए ये लीगल नहीं है, अनलीगल है, इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। तो हमें लीगल काम करना है, अनलीगल काम नहीं करना है, क्लियर? तो इस तरीके से आप अकाउंट नंबर ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कंपनी को कॉल लगा सकते हैं और आसानी से अपना किसी का भी अकाउंट चेंज कर सकते हैं, आसान प्रोसेस है। तो फोन उसी नंबर से करना जो कहीं ना कहीं आईडी में रजिस्टर्ड हो। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी बेहद अच्छी है। पहली बार अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो बहुत कम लोग बनाते हैं, बहुत कम लोग बताते हैं, तो आपको हमेशा इससे अपडेट न्यू जानकारी मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, अपने टीम में शेयर करना, ताकि सबको पता चले कि मैं अपने अकाउंट को कैसे ऐड कर सकता हूं, कैसे रिमूव कर सकता हूं। दोस्तों हमेशा आपको क्या करना चाहिए, किसी को अपने हाथ से दूध नहीं पिलाना चाहिए, दूध पीना सिखा देना चाहिए। जब आप दूध पीना बच्चों को सिखा देते तो बच्चा अपने से दूध पीता और वो ताकतवर बन जाता है। तो अपने टीम को क्या करना है, सिखा देना कि कैसे क्या करना है। हर वक्त आप ही सब काम करोगे तो और कैसे लोग टीम डुप्लीकेट कैसे होगी, दिक्कत है, इसलिए सिखा देना चाहिए। आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारा फोन नंबर है 88 47 67 32 62, ये हमारा फोन नंबर है, आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप आरसीएम से अकॉर्डिंग कोई भी बातचीत करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, राइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना, अपने परिवार का, अपने टीम का खास ध्यान रखिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और 6-7 तारीख को पैसा आता है उससे पहले अपने अकाउंट को ऐड कर लो। ये अकाउंट कब ऐड होगा मैं बता दूं, अक्टूबर में, ये अक्टूबर महीना चल रहा है, अक्टूबर अक्टूबर महीना में 11 तारीख के बाद आपका अकाउंट रिमूव और ऐड हो सकता है प्रोसेस। अभी नहीं, अभी सिस्टम बिजी चल रहा है, अभी वो कुछ और तैयारी भी लगी हुई है, इसलिए 11 तारीख के बाद आप कंपनी को कॉल करके अपना अकाउंट रिमूव करा सकते हैं, ऐड करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को शेयर कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय आरसीएम, जय हिंद।